सो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस मैं आयो आज मस्ती एसएमपे में, और इस मस्ती एसएमपे में ये है मेरा डे वन। तो आज डे वन में मेरा कुछ बिल्ड करने का प्लान है, तो वो तो हम बनाएंगे, वो आपको थोड़ी देर पता चलेगा। बट उससे पहले आपको मैं एसएमपे का रिव्यू करा के देता हूँ। तो गाइस देखो, अभी आगे चल के दिखा दो आपको। यहाँ पर साइड में है कासल, ये कासल तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बट इसके अंदर से ना पूरा खाली है, और यहाँ पर माइन भी है। मैं एक दो बार अंदर जाके भी आया हूँ, पर मतलब कुछ मिला नहीं मुझे। और यहाँ पर एक जेल है, ये घर है। और यहाँ पर देखो, ये दोनों जो घर हैं गाइस आमने सामने, ये दोनों सेम टू सेम दिखते हैं, पर मतलब है नहीं, दोनों थोड़े बहुत सेम टू सेम है। बट चलो अभी आपको आगे वाला बिल्ड दिखा दो। ये वाला जो घर है ये पता नहीं किसने बनाया, बट दिखता है थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखता है, ज़्यादा नहीं। और चलो अभी आपको मैं नेक्स्ट बिल्ड दिखा दो। नेक्स्ट बिल्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये तो मुझे पर्सनल गाइस बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये फार्म है या घर मुझे पता नहीं, पर दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और देखो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा ऊपर जाने के लिए रास्ता है। पर चलते अभी हम नीचे, क्योंकि हमको बनाना है एक बिल्ड। तो यहाँ पर देखो गाइस, ये जो घर है ना, इसके साइड में हम बनाने वाले हैं यहाँ पर विलेजर ट्रेडिंग हॉल। तो जिसने भी मेरा विलेजर ट्रेडिंग हॉल का वीडियो नहीं देखा ना, प्लीज़ जाकर देखना गाइस। उसमें भी मैंने विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाया था मेरे सर्वर वर्ल्ड में। तो आज हम बनाने वाले अपने एसएमपी में। तो एसएमपी में भाई यहाँ पर देखो, ये बॉर्डर ट्रेडर भी आ गया है। चलो अभी देखते हो गाइस, यहाँ पर मेरे फ्रेंड ने पहले से सामान कलेक्ट करके रखा था। तो चलिए बिल्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं। और गाइस फाइनली मैंने एक अपनी आउटलाइन टाइप कुछ बना दिया है, और अभी यहाँ पर ये बिल्ड बनाने वाले। तो चलिए बाकी का काम करना स्टार्ट करते हैं। Thank you.
बहुत ज़्यादा बड़ा बिल्ड था। तो चल गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कर देना इसके लिए, और आपको दिखा दो बिल्ड भाई बहुत ज़्यादा ओपी बिल्ड लग रहा है। और वो क्रीपर कैसे से गया भाई ऊपर जाने दो उसको, और चलो भी चलते हैं यहाँ से अंदर। और गाइस इसको मैंने पूरा फैंस से भी कवर कर दिया है, मतलब मेरे फ्रेंड ने कवर किया था इसको। तो चलो भी यहाँ से और एक बार अंदर चलते, इसको भी बंद करते हैं। और गाइस यहाँ पर देखो अंदर मतलब बहुत ज़्यादा हमने विलियर्स को रखा है, ज़्यादा नहीं मतलब थोड़े, बाद में उसको हम पूरा फुल कर देंगे। तो चलो देखो यहाँ पर भी एक इसका नाम क्या है लाइब्रेरी है, और ये देता है हमको अनब्रेकिंग ट्री की बुक, तो हम इसे ट्रेड तो जरूर करेंगे। और यहाँ पर देखो एक नला विलेजर भी, इसको मतलब इसकी कुछ ज़रूरत नहीं, पर ट्रैपडोर को ऐसे बाहर नहीं आ सकता, हमने इसको ऐसे कैद कर रखा है। और उसी तरह सारे विलेज को मतलब सारे विलेजर्स को कैद कर रखा है हमने। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विलेजर्स हैं जैसे फार्मर भाई, फार्मर से तो बहुत सारा फूड ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर बेल बजाने से एक कभी कभी रात में उठ जाता है, जिससे कि हम उनको रात में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर, और ऊपर का दिखा दो आपको एरिया। वैसे ऊपर का एरिया देखने लायक नहीं है, मतलब ऊपर हमने कुछ विलेजर को रखा ही नहीं है, सिर्फ एक चेस्ट और एक कैट है। तो देखो भी यहाँ पर जाने दो भाई, यहाँ पर कुछ भी देखने लायक नहीं, चलते हैं यहाँ से नीचे। और गाइस प्लीज़ बताना आपको ये बिल्ड कैसा लगा, और इसका रेटिंग भी देना गाइस कमेंट में। चलिए यहाँ से चलते निकलते हैं बाहर अभी। सो गाइस प्लीज़ गाइस इस बिल्ड के तो वीडियो एक लाइक ज़रूर से करना। तो चलिए भी चलते हैं बाहर। तो आपको एक गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस आपको ये बिल्ड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।